हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण का जो टॉपिक है वाक्य, तो वाक्य से संबंधित जितने भी डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है जेपीएससी नागपुरी भाषा और साहित्य का सिलेबस। उसमें आपको पढ़ना है वाक्य संरचना एवं भेद। जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो भी अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी वाक्य से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है या प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको जेपीएससी की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि वाक्य संरचना एवं भेद के विस्तार के साथ विश्लेषण करूं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना होता है। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। तो उसके लिए आज का जो भी वीडियो है उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको दे दिया हूं। उसको और भी आप इलोबरेट करके एक परफेक्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। आइए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर, आप आज के इस वीडियो में जो टॉपिक्स हैं वो है वाक्य संरचना एवं परिचय, वाक्य की परिभाषा, वाक्य कर घटक, वाक्य कर प्रकार और संयुक्त मिश्रित और सरल वाक्य का जो पहचान है इसको आज के इस वीडियो में कवर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य संरचना और परिचय। भाषा कर मूल तीन आधारभूत इकाई होवेला, ध्वनि या फिर वर्ण, शब्द और वाक्य। क्या बोला जा रहा है कि वाक्य संरचना का जो परिचय है उसके अकॉर्डिंग कोई भी भाषा है तो उसका कोई तीन आधारभूत इकाई होता है। वो कौन कौन सा होता है? ध्वनि। कुछ भी हम लोग सुनते हैं, कुछ भी आवाज आ रही है तो वो ध्वनि है, ठीक है। उसी ध्वनि को अगर हम लोग लिख देते हैं तो वही वर्ण बन जाता है। जैसे टक टक की आवाज आ रही है कहीं से, टन टन की आवाज आ रही है, तो ट क्या है? एक ध्वनि है, ठीक है। उसको अगर लिख दिए हैं तो वही ट बन जाता है वर्ण। वर्ण के वीडियो में ये आपको क्लियर कराया गया है, ठीक है। इन्हीं वर्णों के युग्म से शब्द बनता है और इन्हीं शब्दों के योग से वाक्य बनता है, ठीक है। तो आगे क्या है कि जे ध्वनि के हमरे मन सुनीला, ओके लिख देवल के वर्ण कहेना, ठीक है। और वर्ण के समूह के से शब्द बनेला। जब वर्ण जो है, जैसे कि टन टन मैंने बोला अभी, ठीक है, घंटी की आवाज आ रही है मान लीजिए, टक टक की आवाज आ रही है, तो ट हो गया एक व्यंजन वर्ण, क हो गया एक व्यंजन वर्ण। इन वर्णों के मिलने से जो ध्वनि और वर्ण है उसके समूह से जो मिलता है उसी को हम लोग शब्द कहते हैं, ठीक है। तो शब्द बनता है वर्ण कर समूह से शब्द बनेला। यहां पर लिखा हुआ क्या है? वर्ण मन कर समूह से शब्द बनेला और शब्द मन कर समूह से वाक्य बनेला। इन्हीं शब्दों का जो समूह होता है उसी से वाक्य का निर्माण होता है। दोस्तों, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग की, आप लोग को एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। व्याकरण से कोई भी क्वेश्चन आए तो एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, जैसे व्याकरण सबसे वाइडली एक्सेप्टेड जो व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं या जानते हैं उसको पाणिनी व्याकरण कहते हैं, ठीक है। और अगर अभी मैं आपको वाक्य संरचना के बारे में बतला रहा हूं तो मैं आपको ये भी बतला दूं कि जो हमारे पास चार वेद हैं, चार वेद कौन कौन से हैं? अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। उन वेदों को समझने के लिए छह वेदांग की रचना की गई है, ठीक है। वो छह वेदांग कौन कौन सा है? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। तो इसी वेदांग का एक पार्ट है व्याकरण। उसी व्याकरण को हम लोग पढ़ते हैं, चाहे आप हिंदी व्याकरण पढ़ें, चाहे आप नागपुरी व्याकरण पढ़ें, चाहे आप किसी भी प्रकार का व्याकरण पढ़ें, संस्कृत व्याकरण से ही सारे व्याकरण बने हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग भी नागपुरी व्याकरण अगर पढ़ रहे हैं तो ये संस्कृत व्याकरण से ही लिया गया है। तो उसमें जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसी को हम लोग भी फॉलो करते हैं, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बतला दूं कि जब आप लोग जेपीएससी के आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन जरूर लिखिएगा। जैसे कि कुछ किंवदंती भी है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बतला देता हूं कि किंवदंती है कि महर्षि जो पाणिनि हैं वो ध्यान में थे, तो ध्यान में लिप्त थे तो भगवान शिव वहां पर आकर डमरू बजाए, तो वो डमरू जो बजा तो उसी डमरू की आवाज से उन्होंने एक स्रोत की रचना की। उसी स्रोत के बाद 14 सूत्रों का अष्टाध्यायी को लिखा गया, ठीक है। महर्षि पाणिनि की ही रचना है अष्टाध्यायी, ठीक है। तो उसी से वर्ण, यहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण और वाक्य, तो उसी से निकला हुआ है, ठीक है।
आप लोग ये बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना गई और उसी वेदांग का एक पार्ट है व्याकरण। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। हम लोगों को उतना डिटेल में तो नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन में आप ये सब भी बातों को नोट डाउन कीजिएगा या फिर लिखिएगा तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट देता है। ठीक है, तो वाक्य का संरचना हम लोगों ने देख लिया कि ध्वनि के समूह से शब्द बना, शब्द के समूह से वाक्य बना। इसी वाक्य को आज इस टॉपिक में हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे है वाक्य की परिभाषा। वाक्य किसे कहेंगे? मनुख कर विचार और भाव के पूरा पूरी अलघटे बतायक वाला शब्द कर समूह जे व्याकरण कर नियम कर अनुसार सजाए रहे ना वाक्य कहा है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है? मनुष्य, मनुष्य को मनुख लिखा जाता है। ये सब बात को आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग नागपुरी व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो मनुख कर विचार और भाव को पूरा पूरी अलघटे मतलब कि आराम से सरलता से जो बता देता है शब्द का समूह और जो व्याकरण के नियम के अनुसार सजाया हुआ रहता है उसी को वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे बुधनाथ भर्तु से कहेला, यहां पर देखिए बुधनाथ है, एक लड़का है बुधनाथ और एक लड़का है भर्तु। तो बुधनाथ भर्तु से कहेला, तो क्या कहेला कि ए भर्तु झूमर खेले जाबे का। ठीक है, बुधनाथ जो है वो भर्तु से क्या कह रहा है कि ए भर्तु झूमर खेले जाबे का। तो इसमें फिर भर्तु जो है वो बुधनाथ से कहेला, बुधनाथ को जवाब देता है भर्तु, क्या बोलता है? मोय आइज नी जाय पारमु। ठीक है, तो ये देखिए अपने भावों का अपने विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो वाक्य क्या होता है? तो मनुख कर विचार और भाव के पूरा पूरी अलघटे बतायक वाला शब्द कर समूह जे व्याकरण कर नियम कर अनुसार सजायल रहे ना वाक्य कहा है ना। देखिए इसमें दो लोग हैं, बुधनाथ हैं और भर्तु हैं, वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं सरलता से, तो उसी को वाक्य कहते हैं। ठीक है, और ये जो वाक्य है वो व्याकरणिक नियम के अनुसार सजाया हुआ रहता है। व्याकरण में आप लोग जानते हैं संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया होता है, विशेषण होता है। तो यहाँ पर देखिए बुधनाथ और भर्तु क्या है तो वो संज्ञा है, झूमर खेले जाबे ये क्या है क्रिया के अंतर्गत आएगा, और ए जो है वो एक तरह का संबोधन है। तो देखिए जो भी बात बोला गया है वो एक व्याकरणिक रूप में व्याकरण के नियम के अनुसार सजाया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाक्य की परिभाषा। आई होप इसको समझे होंगे। इसमें ये देखिए लिखा हुआ है कि ऊपरे देवल उदाहरण ने बुधनाथ और भर्तु अपन अपन विचार के प्रकट करे ना जे एक व्याकरणिक नियम कर अनुसार सजाल है। ठीक है, और नागपुरी जो है वो बोल चाल कर फाका है सहेले एकर वाक्य संरचना सहज होएला। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। वाक्य कर प्रकार, अब हम लोग समझ रहे हैं वाक्य का प्रकार कितने होते हैं। तो वाक्य के प्रकार को समझने के लिए वाक्य जो है वो संरचना के अनुसार अलग प्रकार होता है और अर्थ के अनुसार अलग प्रकार होता है वाक्य का प्रकार। ठीक है, तो वाक्य के प्रकार को समझने के लिए संरचना के अनुसार समझते हैं और अर्थ के अनुसार समझते हैं। आइए इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। संरचना के अनुसार, तो संरचना के अनुसार वाक्य तीन वर्ण कर होवेला। आसान वाक्य जिसको सरल वाक्य कहते हैं, मिलल वाक्य जिसको मिश्र वाक्य कहते हैं, और जुड़ल वाक्य जिसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो संरचना के अनुसार तीन प्रकार के वाक्य हुए, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। आप लोग इसको सरल वाक्य को आसान वाक्य लिख सकते हैं, मिलल वाक्य लिख सकते हैं नागपुरिया में, और जुड़ल वाक्य लिख सकते हैं संयुक्त वाक्य को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अर्थ के अनुसार है ये 8 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं जो कि विधिवाचक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है और संकेतवाचक है। आइए इन सबों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो वाक्य का घटक पहले हम लोग जान जाते हैं कि वाक्य का घटक क्या है, उससे हम लोग वाक्य के प्रकार जो है उसको समझने में आसानी होगी। तो वाक्य के घटक जो होते हैं दो तरह के होते हैं, उद्देश्य और विधेयक। वाक्य का कितना घटक होता है? तो दो घटक होता है, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेयक। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य कर उ भाग जेकर बारे में कोनो बतावल जाएला उद्देश्य कहना। ठीक है, तो कोनो वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। तो वाक्य अगर हम लोग बोल रहे हैं तो वाक्य का वो भाग, वो पार्ट जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है तो उसको उद्देश्य कहते हैं। दूसरा होता है विधेयक। तो वाक्य कर उ भाग जेकर माध्यम से उद्देश्य कर बारे बतावल जाएला विधेयक कहना। ठीक है, तो वाक्य का वो भाग जिसके माध्यम से उद्देश्य के बारे में यानी कि कर्ता के बारे में
आप बतला रहे हैं उसी को विधेयक कहते हैं। ठीक है, तो ये वाक्य का दो घटक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। संरचना के अनुसार अब वाक्य के प्रकार में आते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि वाक्य को हम लोग दो प्रकार से देख सकते हैं, संरचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार। तो संरचना के अनुसार जो वाक्य है वो क्या है, पहला है आसान वाक्य। तो इसकी परिभाषा क्या है, वाक्य जेकर में एक ठो कर्ता और एक ठो क्रिया होवेला सरल वाक्य कर खेजा में आवेला। ठीक है, आसान वाक्य या सरल वाक्य क्या होता है कि वैसा वाक्य जिसमें एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग आसान वाक्य कहते हैं। इसको हम लोग उदाहरण से देखते हैं, जैसे सुजीत पढ़लक, इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। रेनू खालक, ठीक है, इसमें क्या है, रेनू एक ही कर्ता है और खाना एक ही क्रिया है। ठीक है, इसमें देखिए कर्ता क्या है, सुजीत और रेनू है, और क्रिया क्या है, पढ़लक और खालक है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे आसान वाक्य या सरल वाक्य। तो इसमें क्या है, देखिए सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेयक एकला रहेला, एकला रहेला मतलब कि एक ही रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर उद्देश्य क्या है, कर्ता के कहना और विधेयक क्रिया के कहना, ये समझने के लिए है आपके। ठीक है, ऊपरे देवल उदाहरण में सुजीत रेनू उद्देश्य है जो कि कर्ता है, और पढ़लक और खालक विधेयक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा, संरचना के अनुसार वाक्य का दूसरा पार्ट है मिलल वाक्य या फिर मिश्र वाक्य, इसी को हिंदी में कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है कि वाक्य जेकर में मुद्ध वाक्य कर अलावे दूसर वाक्य मिसाइल रहना मिलल वाक्य कहायना। तो वाक्य जिसका में मुद्ध मतलब कि मुख्य वाक्य कर अलावे, उसके अलावे दूसरा वाक्य भी मिसाइल रहेला, मिसाइल रहेला मतलब कि मिला हुआ रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिलल वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे क्या है, उ कौन पढ़वैया छुआ है के जे पढ़े नी जाने। ठीक है, तो इसमें देखिए दो वाक्य जो हैं वो मिले हुए हैं। पहला क्या है कि कौन पढ़वैया छुआ, और दूसरा क्या है, जे पढ़े नी जाने। तो मुख्य वाक्य के साथ एक दूसरा वाक्य इसमें मिला हुआ है। एक और उदाहरण के साथ देखते हैं, जे आदमी मेहनती होवेला ओके भाग्य कर जरूरत नखे। इसमें भी देखिए दो वाक्य हैं वो मिला हुआ है कि जे आदमी मेहनती है और भाग्य कर जरूरत, ये दूसरा है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं, मोय नागपुरी जानू ना काले की एडू अंकुरन चैनल से पढ़ो ना। तो ये भी मिलल वाक्य का या फिर मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं, पहले मोय पढ़ू फिर झूमर खेले अखरा जामू। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके मिलल वाक्य के उदाहरण है। तो इसमें देखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछ देगा, एक एग्जांपल दे देगा कि कौन पढ़वैया छुआ है के जे पढ़े नी जाने, ये कौन से वाक्य के अंतर्गत आता है, सरल वाक्य, मिलल वाक्य या फिर जुड़ल वाक्य। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एक पहचान है कि मिलल वाक्य में जे उके माने की काले की और फिन मन कर परजोग हवेला। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो पहला वाक्य है इसमें जे का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कि वो कौन पढ़वैया छुआ है कि जे पढ़े नी जानी। ठीक है, दूसरा है जे आदमी मेहनती होवेला उके। ठीक है, फिर यहां पर देखिए काले की। ठीक है, फिर यहां पर देखिए फिन का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये सभी शब्दों का अगर प्रयोग है तो आप समझिए कि ये मिलल वाक्य है। ठीक है, सरल वाक्य बिल्कुल इजी होता है कि एक ही कर्ता होता है, एक ही क्रिया होती है, और मिलल वाक्य में दो वाक्यों का संयोग होता है, लेकिन दो वाक्यों का संयोग कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स से हो रहा है। तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, जे है, उके है, काले की है, फिन है, तो उसी को हम लोग मिलल वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तीसरा होता है जुड़ल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। तो उसकी परिभाषा क्या है, वाक्य जेकर में सरल वाक्य चाहे मिलल वाक्य कर मेल संयोजक कर माध्यम से होवेला जुड़ल वाक्य कहेना। तो वैसा वाक्य जिसमें कि सरल वाक्य और मिलल वाक्य जो होता है उन लोगों का जो संयोग होता है वो संयोजक के माध्यम से होता है, उन लोगों का जो मेल होता है वो संयोजक के माध्यम से होता है, तो उसी को जुड़ल वाक्य कहते हैं। और संयोजक क्या क्या होता है, और हो गया, माकिल हो गया, इदा हो गया, इया हो गया, मुदा हो गया। ठीक है, इसको अब हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं और समझते हैं कि जैसे मैं पढ़ात हूँ और तुम्हें पढ़त हिस। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो, तो देखिए और का प्रयोग किया गया है, तो ये समझिए कि जुड़ा हुआ वाक्य है। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल है कि झारखंड कर आदमी मन मेहनती है, कहें
माकिल नेता मन से परेशान है क्या, ठीक है। तो माकिल यहां पर यूज किया गया है, माकिल एक तरह का संयोजक है, तो ये दो शब्दों को, दो वाक्य को जोड़ रहा है, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल है, पहले मैं नागपुरी नी जानत रहो मुदा आप एडू अंकुरण चैनल से सीख गए, ठीक है। इसमें भी देखिए दो तरह के वाक्यों का संयोग है, जुड़ रहा है और वो किसी संयोजक के थ्रू जुड़ रहा है, संयोजक के मेल से या माध्यम से जुड़ रहा है। संयोजक क्या क्या है, और है, माकिल है, या है, मुदा है, और भी हो सकता है, मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रख दिया है। जैसे कि इसमें देखिए दो वाक्य जुड़ रहा है कि पहले मैं नागपुरी नहीं जानत रहा हूं, ये एक वाक्य हो गया। मुदा, मुदा का मतलब होता है लेकिन, आप एडू अंकुरण चैनल से सीख गए, मतलब अभी जो है एडू अंकुरण चैनल के माध्यम से नागपुरी सीख गया। तो ये दो वाक्यों को जोड़ा गया है मुदा के हेल्प से, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, जुड़ल वाक्य में और माकिल या मुदा मनकर प्रयोग होवेला, ठीक है। तो ये हो गया वाक्य के प्रकार संरचना के अनुसार। अब अर्थ के अनुसार वाक्य क्या क्या होते हैं, तो पहला है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य का परिभाषा कुछ इस तरह से है कि जेकर से कोनो बात कर हुए तिहा जानकारी होवेला, किसी बात के होने की जानकारी मिलती है तो उसी को विधिवाचक कहते हैं। जैसे ओकर काका मुखिया आहे, तो उसका काका क्या है, उसके चाचा जी क्या है, तो मुखिया है, तो ये विधिवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। दूसरा हो जाता है निषेधवाचक वाक्य, तो इसकी परिभाषा क्या है, वाक्य जेकर से कोनो बात कर नी होवे कर पता लागेला उसी को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मंगरा झूमर खेले नहीं गेला, ठीक है, तो खेलने नहीं गया है, ठीक है, नहीं होने का पता चलता है कोई। आगे है आज्ञावाचक वाक्य, तो इसकी परिभाषा क्या है, वाक्य जेकर से आज्ञा देवे कर तीहा होवेला, मतलब कि जानकारी मिलता है, तीहा मतलब जानकारी, खोज खबर, उसको हम लोग नागपुरिया में तीहा कहते हैं, ठीक है। तो वाक्य जिससे कि आज्ञा देने की जानकारी होती है उसको आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे अरे छोड़ा खेले की छोड़ और पढ़, ठीक है, मतलब कि घर में देखिएगा आपकी माताश्री जो है या पिता है या भाई है, वो बोलते हैं कि खेलना लिखना, खेलना बाद में, खेलो बाद में, अभी पढ़ो, तो ये एक तरह का आज्ञा है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। आगे है प्रश्नवाचक वाक्य, तो वाक्य जेकर से सवाल पूछे का भाव प्रकट होवेला उसको कहते हैं हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे ई गांव कर मुखिया के आहे, इस गांव के मुखिया कौन है, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। आगे है विस्मयवाचक वाक्य, तो इसकी परिभाषा क्या है, कैसे समझेंगे, वाक्य जेकर से अचरज दुख सुख कर बोध होवेला उसी को विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह रे आप पढ़वैया मनक का होवी, ठीक है, तो ये एक विस्मय है, ठीक है, विस्मय का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि ओह रे, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल है, वाह मीठा आंबा खाए के मजा आ गेला, ठीक है, कि मीठा आम खाने से के बाद मजा आ गया, तो वाह हो गया, ओरे हो गया, ठीक है, ये सब विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। आगे है संदेहवाचक वाक्य, तो संदेहवाचक वाक्य किसे कहेंगे, वाक्य जेकर में कोनो संदेह कर बोध होवेला उसी को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हो सकेला अगले महीना परीक्षा होवी, तो ये क्या है, एक तरह का संदेह है कि हो सकता है अगले महीना एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अभी प्योर श्योर नहीं है, तो इसी को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आगे है इच्छावाचक वाक्य, तो वाक्य जेकर से कोनो इच्छा या शुभकामना कर बोध होवेला उसी को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे झारखंड में ठीक से परीक्षा होए और छुआ मनक नौकरी होए, तो ये एक तरह की इच्छा है, इच्छा जाहिर कर रहे हैं। जैसे मैं एज ए टीचर ये इच्छा जाहिर करता हूँ कि झारखंड में अच्छे तरह से परीक्षा हो और बच्चों का सिलेक्शन हो, उन लोगों को नौकरी लगे, तो ये इच्छा है मेरी, तो ये इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। आगे है संकेतवाचक वाक्य, जहां एक वाक्य दूसर वाक्य ऊपरे निर्भर रहे ना ओकरे संकेतवाचक वाक्य कहे ना, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अब कैसे है कि बेस बरखा होवी होल धान बढ़िया उपजी, संकेतवाचक में संकेत मिलता है, एक वाक्य ऊपर दूसरा वाक्य जो है वो निर्भर करता है। जैसे इसमें एग्जांपल है कि बेस बरखा होवी, मतलब अच्छी बारिश होगी, होल होल मतलब कि तो, ठीक है, बेस बरखा होवी होले, यहाँ पर होले होगा या फिर होल होगा, धान बढ़िया उपजी, अगर अच्छी वर्षा होती है तो धान की उपज अच्छी होती है, ठीक है। तो ये संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोगों ने देखा वाक्य के प्रकार, जो अर्थ के अनुसार
और संरचना के अनुसार थे, वो दोनों वाक्य के प्रकार आप लोग देख लिए। अब आइए हम लोग समझते हैं अगले स्लाइड में कि सरल वाक्य, जुड़ल वाक्य और मिलल वाक्य की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, जैसे कि मंगरा झूमर खेल के थक गेलक, ठीक है, तो मंगरा जो है झूमर खेलने के बाद थक गया, ये एक तरह का सरल वाक्य है, ठीक है। यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते थे मंगरा थक गेलक, तो ये भी आ जाएगा सरल वाक्य की खेजा में, ठीक है। अब जुड़ल वाक्य इसी का कैसे बनेगा, मंगरा झूमर खेलत रहे और थक गेलक। आप लोगों को बतलाया हूं कि जुड़ल वाक्य में और का प्रयोग होता है, एक संयोजक का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये देखिए कैसे हुआ, मंगरा झूमर खेलत रहे और थक गेलक। और मिलल वाक्य किस तरह से बनेगा इसी को, कि मंगरा झूमर खेलत रहे सहेले थक गेलक, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य में आप अंतर ढूंढ सकते हैं कि सरल वाक्य कौन सा होगा, जुड़ल वाक्य कौन सा होगा, मिलल वाक्य कौन सा होगा। अब आगे है पनिहारिन पानी लाइन के चल गेलक, ठीक है, ये एक तरह का सरल वाक्य है। जुड़ल वाक्य किस तरह से होता है यही वाक्य को, कि पनिहारिन पानी लानलक और चल गेलक, यहां पर देखिए और का प्रयोग हो रहा है, चल गेलक, तो ये जुड़ल वाक्य है, ठीक है। मिलल वाक्य इसी का कैसे रहेगा, कि पनिहारिन पानी ले लानलक सहेले चल गेलक, ठीक है। आगे है अगला एग्जाम्पल है कि मोर सहिया भाई का स्कूटी बैटरी से चलेला, ये एक तरह का सरल वाक्य है, ठीक है। इसमें देखिए कहीं पर भी आपको और का प्रयोग, मुदा का प्रयोग नहीं है, ठीक है, सरल वाक्य में। जुड़ल वाक्य में कैसे होगा, मोर सहिया ठिन स्कूटी है के, और देखिए यहां पर और लगा, उ बैटरी से चलेला, तो इसको कहेंगे जुड़ल वाक्य। इसी को मिलल वाक्य के अनुसार किस तरह से बनाया जाएगा, कि मोर सहिया ठिन स्कूटी है के जे बैटरी से चलेला, तो जे जो लगा यहां पर ये मिलल वाक्य के खेजा में आता है, ठीक है। आगे है मोर पिया परदेसिया नी आलाय, तो ये एक तरह का सरल वाक्य है। जुड़ल वाक्य किस तरह से होगा, कि मोर पिया परदेस से आवेक वाला रहे माकिल नी आलाय, तो यहां पर माकिल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जुड़ल वाक्य में। इसी को मिलल वाक्य में कैसे बोलेंगे, कि मोर पिया परदेश से आवेक वाला रहे जे नी आलाय, ठीक है, तो ये है मिलल वाक्य। तो इसको आप लोग पॉज करके अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं जेएससी सीजीएल की, तो उसके लिए आपके आपके लिए एक एमसीक्यू का प्रैक्टिस का सेट एडू अंकुरण चैनल के माध्यम से स्पर्धा प्रकाशन के द्वारा पब्लिश करके मार्केट में अवेलेबल कराया गया है। ये देखिए ये है बुक, और इस बुक को आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और आपके नज़दीकी बुक स्टॉल में ये मिल जाएगा। इसका लिंक, ऑनलाइन खरीदने का लिंक अमेजन फ्लिपकार्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो में जो भी आपको बताया गया है उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे उसको MCQ के फॉर्म में बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये है वीडियो का अंत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।